श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। परमात्मा की प्राप्ति ये हमारे जीवन का लक्ष्य बताया जाता है। अब सवाल ये है, क्या परमात्मा अप्राप्त है? यहीं से गलती शुरू होती है। हमको भगवान के दर्शन चाहिए, क्या करोगे दर्शन करके? पूछते हैं गोस्वामी जी, भगवान के दर्शन करा दो। इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन या सत्संग किसी को सुधारने के लिए नहीं है। इसमें हमको बाल की खाल नहीं उखाड़ हमको यह जो ज्ञान है अपने जीवन में उतारना है। नॉर्मली क्या हो जाती है, ये माँ बाप लोग देखो बेटा ये करो वो करो, अपने तो कुछ नहीं किया जिंदगी में और दूसरों को बता रहे। तो अध्यात्म का तात्पर्य ध्यान अपने तरफ। दुनिया बढ़िया है, अब उसके लिए क्या करना है? तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणिः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास पहुंच जाए। इसका मतलब गुरु के और ब्रांड है क्या? जब ये ब्रांड का गुरु बताया, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास पहुंच जाए, तो कोई और भी गुरु है? हाँ जी बहुत है। बचपन से माँ बाप गुरु है, स्कूल में टीचर गुरु है, बिजनेस में सीनियर गुरु है। ये जो वकील लोग होते हैं ना, उनको क्या LLB जो भी है वो मिल जाती है, उसके बाद वो कुछ नहीं आता। जब किसी करप्ट वकील के अंडर काम करेंगे तब उनको समझ में आता है वकालत माने क्या। इट्स अ 3C गेम। 3C, फर्स्ट कोर्ट में जब पेश होते हैं अपने क्लाइंट को लेकर के, तो जो सुप्रीम कोर्ट या जो भी जज होंगे उसको तो पहले कन्विंस करने का प्रयत्न करते। सी, वो नहीं हो पाया तो कंफ्यूज करते, उससे भी यदि काम नहीं बना तो करप्शन करते, काम हो जाता है। कारण क्या है कि हमको ये जो ज्ञान है जीवन में उतारना है। तो
इसके लिए करे क्या? एक तो होते सिद्ध महात्मा, तो सिद्ध महात्मा के पास जाओ तो लोग किस लिए जाते हैं? अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। यदि हमारे अंतकरण में ये भ्रांति हो, अध्यात्म माने इच्छाओं को पूरा करना, तो अभी हमने अध्यात्म में प्रवेश ही नहीं किया है। इसीलिए यहां जितने बैठे हैं ना, मन में स्पष्ट समझ लो, आपको यहां कुछ नहीं मिलने वाला। इतना धक्के खा के आए, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो गलती करी, नहीं गलती नहीं करी, महागलती करी। या तो उठ के चले जाओ या कल से मत आना। देखो संतो, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। कारण क्या है? जब हम कहते भगवान की, परमात्मा की प्राप्ति हो, तो हमने ये स्वीकार किया है परमात्मा अप्राप्त है। इसका मूल कारण यही है कि हम सत्संग में जाते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसका प्रभाव हम पर कुछ नहीं होता। इसीलिए श्रोत्रिय माने क्या? वो गुरु जिन्होंने परंपरा से शास्त्रों का अध्ययन किया है। देखो ये सिद्ध महात्मा जो होते हैं ना, इनमें और हम लोग आचार्य परंपरा के हैं, इन दोनों में क्या फर्क है? सिद्ध महात्माओं में 1-to-1 रिलेशन होता है। उदाहरण दो आपको, मत्स्येंद्रनाथ, उसके भी पहले आदि गुरु शिव जी, उनके शिष्य मत्स्येंद्रनाथ 1-to-1, उनके शिष्य गोरखनाथ 1-to-1, उनके शिष्य गहनीनाथ 1-to-1, उनके शिष्य निवृत्तिनाथ 1-to-1, उनके शिष्य ज्ञानेश्वर महाराज 1-to-1, यहाँ रुक गए। और फिर उन्होंने क्या किया? सबके लिए हरिमुखे मणा, हरिमुखे मणा, सबके लिए भक्ति का मार्ग है। भगवान का नाम लो, उनका सर खाओ, मेरा सर मत खाना। देखो इसीलिए हम जो साधारण लोग हैं, हमने दुनिया में जी लिया है, अच्छा बुरा धक्के खाए, और यदि सब करते करते यदि हम अपने ही जीवन के अनुभूतियों से सीखते नहीं, तो साक्षात परमात्मा भी आकर के हमको सिखाएगा, तो हम उसको कन्फ्यूज कर देंगे। तो श्रोत्रिय कौन होते हैं? जिनको ये ज्ञान है कि कैसे इस ज्ञान को अपने से शिष्य को बताना है। और जो सिद्ध महात्मा होते हैं, वो शब्दों से नहीं बताते, वो परिस्थिति निर्माण करके। उदाहरण के लिए भगवद गीता, भगवान कृष्ण और अर्जुन पहली बार साथ थे क्या? कितने सालों साथ थे, लेकिन कहाँ सीखा? तो भगवान ने क्या किया, उसके सामने एक समस्या निर्माण कर दी। और समस्या क्या निर्माण करी? कि तुमको युद्ध करना है दुश्मनों से नहीं, अपनों से। और पूरे भगवद गीता में ये नहीं बताया कि तुमको क्या करना है, यही बताया है अपनी गलती को ठीक करो। ये नहीं पूछा तुमको ज्ञान हो गया क्या, ज्ञान होगा तो दूसरे को लेक्चर देने लग जाओगे। तो फिर क्या पूछा? उन्होंने यही कहा कि तुम्हारे दिमाग से मोह नष्ट हो गया है। कच्चित एत श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। तो समस्या किसकी है? परमात्मा की नहीं है, मोह की है। मोह क्या है? हम इस समय कौन है? अपना महामंत्र जो है ना, इसका आप चिंतन करो महाराज। वेर एवर वेन एवर वॉट एवर यू आर, बी 100%। पूरी भगवद गीता की समरी एक वाक्य में,
अर्जुन कहाँ था? युद्ध के मैदान। कब? युद्ध के समय। तो क्या होना चाहिए था? किसी का पोता, किसी का शिष्य, किसी का भाई या योद्धा। अभी हम लोग कहाँ है? सत्संग में। कब? सत्संग के समय। तो क्या होना चाहिए? सत्संगी। लेकिन यदि हमने पति पत्नी का उदाहरण दिया और कहा कि पत्नी समझदार होती है, पति बेवकूफ होता है, हमने ऐसा कहा, तो यदि पति पत्नी हो गए साथ में तो देखेगी पत्नी, देखो देखो अरे बेवकूफ, पति पत्नी ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। तो सुनने वाला या वाली ये साधक नहीं थी। इसीलिए जब हम जाते हैं श्रोत्रिय गुरु महाराज के पास, और वो कौन है? ब्रह्मनिष्ठ। केवल बकवास नहीं करते, उसको जीते हैं जीवन में। और ये कैसे पता चले? पहली बात, पता करने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इन्द्रियः। एक बार विवेकानंद ने नरेंद्र उस समय का अपने गुरु को पूछा कि आपने मेरे लिए बुलावा भेजा है कि आ जाओ, तुमको मिस कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, आप तो मेरे मोह में पड़ गए हो। उन्होंने कहा, देखो तुम जो मेरे पास आते हो ना, सस्पिशन से आते हो, पता नहीं बाबा जी है या ऐसे ही है, लेकिन मैं तुमको जानता हूं तुम कौन है। तो शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण श्रद्धा के शक्ति के द्वारा होता है, और गुरु शिष्य को श्रद्धा से नहीं ज्ञान से स्वीकार करता है। जहां ज्ञान है वहां श्रद्धा की आवश्यकता नहीं। ये मुझे ज्ञान है कि इसमें पानी ठीक है, जहर नहीं है, तो मैं डाउट करूंगा नहीं। देखो, इसीलिए जब हम जाते हैं सत्संग में तो हमको सीखना है। अब ये है प्रौढ़ानुभूति। प्रौढ़ माने कौन? प्रौढ़ माने बड़े। अब इसका श्लोक पढ़ेंगे, फिर इसके अर्थ को हम ग्रहण करने का प्रयत्न। प्रौढ़ प्रौढ़ निजानुभूति गलत द्वैतंद्रजालो गुरुः गूढ़ गूढ़ गौगदृष्ट कुदियां स्पष्टम सुधीशालिनां स्वान्ते सम्यगिहानुभूतिमपि सत्शिष्य यबोधाय तत् सत्यं संस्मृतवासना समस्त जगतां नैजं निजालोकनात्। अब कहते हैं प्रौढ़। प्रौढ़ माने को? नॉर्मल प्रौढ़ माने बूढ़ा। चार प्रकार के बूढ़े होते हैं। अरे यार, हर जगह बिल्कुल चार प्रकार। ये चार प्रकार के बूढ़ों को आपको यदि लेबल करना है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार प्रकार के। जो उम्र से बड़े हैं इसी को सब कुछ मानते हैं, वो बूढ़ऊ शूद्र है। अरे हम सभी उसी में आ गए। देखो ये बूढ़ा लोगों का क्या होता है, आजकल के बच्चे बड़ों को आदर नहीं देते। अरे आदर देने के लिए क्या है? लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूरा, छाया नहीं पथिक को फल लागे अति दूरा। तो जितने भी वयस्क लोग ये कंप्लेन करते हैं कि आजकल के बच्चे बड़ों को आदर नहीं देते, वो शूद्र है। कुछ तो हो ना। When you demand respect, you don't command it. आदर करने के लिए क्या है? उम्र बढ़ गई, क्या किया उम्र बढ़ने के लिए? पढ़ाई करिए। आज एक साल का हो, कल दो साल का हो गया। या प्राणायाम किया उम्र बढ़ने के लिए? ये तो भाई गलती से हो रहा है, भगवान की गलती से हमारी उम्र बढ़ रही है। ये शूद्र है प्रौढ़। दूसरे होते हैं शूद्र, फिर हो गए वैश्य। कौन है प्रौढ़ वैश्य?
जो हमेशा पैसों की बात करते हैं। तो हमको ये बात आप ही लोगों से सीखने को मिली है, आप सभी हमारे गुरु हो। जब कोई अग्रवाल हो, गुप्ता हो या कोई मारवाड़ी हो, तो एक जगह की बात है, किसी के लड़की की शादी करनी थी। तो स्वामी जी आप किसी को जानते हैं क्या? हमने कहा वहाँ चले जाओ। हमने कहा कि देखो मैं बाबा जी हूँ, मैं तो सबको कहूँगा शादी करो ही, क्या करोगे शादी करके? अच्छा, उसके बाद बोले स्वामी जी पार्टी कैसी है? कौन सी पार्टी? वो जिनको आप सजेस्ट कर रहे हो। अरे ठीक है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है और उनके 6 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, और ये जो लड़का है ये 3रे नंबर का है। क्या करता है? स्कूल में टीचर है। नहीं स्वामी जी ऐसा नहीं, हमको ऐसी पार्टी बताओ कि वो शादी में कितना खर्चा करेगी। शादी में वो करेंगे 2-4 हज़ार रुपये? नहीं 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 करोड़ों में बताओ। अरे लड़का लड़की की शादी नहीं हो रही, कितना खर्चा करके उसकी शादी हो रही। हम तो भाई 8 लाख 8 करोड़ कर दिया है, वो कितने करेंगे? ये हो गए शूद्र। नहीं शूद्र ने वैश्य, हर चीज पैसे से नापेंगे। तीसरे हो गए क्षत्रिय बूढ़े, कितने फॉलोअर है उनके, कौन से पार्टी में है देखो। और चौथे होते ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तीन तो समझ ले। ब्राह्मण कौन है? जो ज्ञान वृद्ध है। तो ये बातें जो है ये ज्ञान वृद्ध लोगों की बातें हैं, इसीलिए प्रौढ़ क्या है? प्रौढ़ प्रौढ़ निज अनुभूति गलित द्वैतेंद्र जालहा गुरु। तो गुरु कौन है? जिन्होंने अपने अनुभूति से, निज अनुभूति, उन्होंने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। अब अपने को पहचानना, इसकी क्या पहचान है? तो कहते हैं गलित द्वैत इंद्र जालहा, जिसके लिए ये द्वैत की जो नाटक चल रहा है ये उनके लिए गल गया है। संतो समस्या का हल नहीं होता, समस्या को गलाना पड़ता है। एक समस्या को मिटाओ दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। देखो कैसे गलावे, एक ही प्रकार है उसके लिए। समस्या क्या है ये गलत इंक्वायरी है, समस्या किसको है ये ठीक इंक्वायरी है। अर्जुन के सामने युद्ध समस्या नहीं थी, जीतना हारना समस्या नहीं थी, समस्या ये थी कि क्या ये समस्या है। जब उसको पता चला रिया समस्या तो है ही नहीं, युद्ध के मैदान में आए तो युद्ध करना है, कहां समस्या है। लेकिन समस्या कैसे निर्माण हो गई? मैं किसी का पोता, किसी का शिष्य, किसी का भाई कैसे दूसरों को मारूं? माने यदि आपका पोता हो या आपका शिष्य हो या आपका गुरु हो आपका भाई हो, मुझे कोई परेशानी नहीं मारने के लिए। देखो संतो तो प्रौढ़ कौन है? यह ज्ञान वृद्ध प्रौढ़ है। तो प्रौढ़ निज अनुभूति गलित द्वैत इंद्रजाला, इंद्रजाला माने वाट जो दिखता है लेकिन होता नहीं। तीन प्रकार की स्थितियां बताते हैं शास्त्रों में। एक तो है कोई वस्तु है, है तो है, क्या कर सकते? कोई वस्तु नहीं है, नहीं तो नहीं, क्या कर सकते? ना सतो विद्यते भावः, ना भावो विद्यते सतः। अब यदि तीसरी बात, न होते हुए भी यदि प्रतीत हो रही है तो क्या करोगे?
यहीं से समस्या शुरू होती है जीवन में। माने प्रतीति को हम जब सत्यत्व का दर्जा देते हैं तो संसार शुरू हो जाता है। एक उदाहरण बताऊं आपको, हमने कहीं दिया होगा ये उदाहरण, न्यूजीलैंड की बात है। एक हमारे मित्र, उनके लड़के और हम वॉक करने जा रहे थे, तो एक जगह पहुंचे तो वहाँ समुन्द्र का किनारा था और हम लोग ऊंचाई पर थे, तो नीचे जाना था। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी नीचे चलते, मैंने मैं नहीं आऊँगा, तुम ले जाके आओ। तो लड़के कहती है, स्वामी जी सी हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स। हमने कहा ठीक है, फिर तुम जाओ, मुझे कंपेल मत करो, बट सी हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स, दो बार उसने कहा। मैंने कहा अब इसको ठीक करना ही पड़ेगा। मैंने इसको कहा, डू यू नो वॉट लुक्स ब्यूटिफुल इज नेवर ब्यूटिफुल, वॉट डू यू मीन, आई सेड फॉर एग्जाम्पल यू लुक ब्यूटिफुल। उसके बाद 3 दिन तक मेरे से बात नहीं। ये माँ बाप अपने बच्चों को गलत डाटा देते हैं, बेटा तुम तो अप्सरा हो, तुम तो एकदम स्वर्ग से आई हो, तुम कितनी सुंदर हो, कितनी इंटेलिजेंट हो, तो होती है डब्बो। देखो महाराज, जो ना होते हुए भी उसको हम सत्य मानने लग जाते हैं, यही संसार है। संसार बाहर नहीं है। कल उदाहरण दिया था, आपको याद होगा, दर्पण में हम देखते हैं, एक पक्षी देखता है, दोनों का ज्ञान क्या है? हम देखते हैं दर्पण में, उसका उपयोग करते हैं, हेयर स्टाइल ठीक करते हैं, लेकिन ये पक्षी के लिए वो सत्य है, उसके लिए संसार शुरू हो गया। यही बात हम लोगों की और साधु संतों की होती है। इसीलिए निज अनुभूति गलित, अपने इस अनुभव के कारण द्वैत इंद्रजाल गलित, यह जो द्वैत की कल्पना है एक गायब हो गई। इसीलिए हमने कितनी बार बताया, अपने बच्चों के जीवन में दखल मत लेना, उनको उनका जीवन जीने दो। ये बुढ़ाऊ माँ बाप सत्यानाश कर देते हैं, उनको जीने दो उनका जीवन। आपके समय जो स्थिति थी और आज की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। आज की लड़कियां जाती है, कमाती है, सुबह से 9 बजे से 8 बजे तक के काम करती है, कंप्यूटर पर थक जाती है, लाखों में कमाती है, और घर में आने के बाद यदि बुढ़ाओ कहे कि देखो मुझे चाय नहीं दिया, तो ऐसे दरिद्री जो है इनला, उनको क्या करे? देखो संतो, आई एम एड्रेसिंग द ओल्ड पीपल। मुझे एक ने कहा, स्वामी जी आप ओल्ड की बात क्यों कहते हैं? हमने कहा समस्या ओल्ड की है, जवान लोगों की समस्या नहीं है, बच्चों की समस्या नहीं है, समस्या ओल्ड की है। मुझे बताओ पूरे विश्व में जितने पॉलिटिशियन है वो कौन है? बुढ़ाऊ। महाभारत का युद्ध हुआ था, किसके बीच में हुआ था? अर्जुन, मालूम है अर्जुन की उम्र कितनी थी? 86 ईयर्स, और भगवान कृष्ण की 89 ईयर्स। सुधारना है बुढ़ाऊ को, क्या समस्या क्या है? वो अपने आप को ऑक्यूपाइड बिजी नहीं रखते, कोई ना कोई उनको रूल करने के लिए चाहिए। एक उदाहरण आपको बताऊं, आपको पता है औरंगजेब ने अपने पिता को शाहजहां को जेल में रख दिया था। जेल माने जेल नहीं था, हाउस अरेस्ट। अब उसने कहा कि देखो बेटा तुमने रख ही दिया, ठीक है अब क्या कर सकते, एक काम करोगे क्या, मुझे कुछ बच्चे दे दो, मैं उनको कुछ पढ़ाऊंगा, कुरान एक शुरू कर दूंगा, क्या कहते हैं उनकी स्कूल। बोले ठीक है, अब 50-100 बच्चे ला के रख दिए, उसने शुरू कर दिया। अब ये हो गई कथा। अब
कारण सुनो, जिसने इतने सालों तक राज्य किया है उसको जब तक किसी के ऊपर में अपना रूल नहीं चलाएगा शांति नहीं मिलती। ये बुढ़ाऊ जो है, इन्होंने अपने जीवन में फैमिली पर राज्य किया है और नई बहू आ जाती है तो उसके ऊपर भी राज्य करना चाहते हैं। तो, स्वामी जी हम नहीं आते सत्संग को तो ठीक रहता। संतो, सत्संग के द्वारा दुनिया में परिवर्तन नहीं आता, परिवर्तन अपने में आता है। और अपने में क्या आता है? बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा ले। दुनिया में कहीं बुराई नहीं है, अपनी दृष्टि में परिवर्तन लाना है। इसीलिए प्रौढ़ प्रौढ़ निजानुभूति कलित द्वैतेंद्र जानो गुरु। फिर ऐसे गुरु महाराज के पास पहुंच गए तो फिर गूढ़म अघोग दुष्ट कुधियाम स्पष्टम सुधीशालीनाम। और ये जो सूक्ष्मता है, ये दुष्ट कुधिया, जो दुष्ट लोग हैं जिनकी विचार करने की प्रक्रिया परवर्टेड है, उनको ये समझ में नहीं आएगा। उनको तो चाहते मेरी मुर्गी की एक ही टांग नहीं है, लेकिन मुर्गियों की दो होती है टांगे, नहीं देखो मेरी एक ही है। दुनिया में और भी कुछ है, और इसीलिए समझ लेना अध्यात्म माने अपनी दृष्टि में परिवर्तन लाना। यदि दृष्टि में परिवर्तन आ गया तो परसेप्शन में परिवर्तन आएगा, परसेप्शन में परिवर्तन आएगा तो इंटरेक्शन में परिवर्तन आएगा, इंटरेक्शन में परिवर्तन आएगा तो एक्सपीरियंस में परिवर्तन आएगा, एक्सपीरियंस में परिवर्तन आएगा तो जीवन में परिवर्तन। देखो एक लड़का किसी लड़की के पीछे मोटरसाइकिल पे जा रहा था और जाके उसको टीज करना चाहता था। जाके उसने सामने खड़ी कर दी मोटरसाइकिल और कहने वाला था हाँ आए। जो पीछे से जो अच्छी सुंदर लग रही थी पतली सी, सामने से देखा तो 98 नॉट आउट। तो जैसे सामने से उसने देखा बुढ़ाऊ है तो हाय कहेगा, हाय हाय किसको देखा। जब तक के दृष्टि में परिवर्तन नहीं आता तब तक के जीवन में परिवर्तन नहीं आता। शास्त्रों का अध्ययन अपने दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए है, दुनिया को बदलने के लिए नहीं। तो कहते गूढ़म गूढ़म मघोग दुष्ट गुदिया। तो जो दुष्ट बुद्धि है, दुष्ट बुद्धि क्या है? दूसरे को सुधारने चले, अपना तो सत्यानाश कर लिया है। स्पष्टम सुधीशालीनाम, कि जिनको ये विचार करने की प्रक्रिया मालूम है। हम विचार करते हैं कि रिएक्ट करते हैं? नॉर्मली वी रिएक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड कॉन्टेम्पलेशन? विचार करना और चिंतन करना, इसमें क्या फर्क है? एक होता है विकार, दूसरा होता है विचार। हम विकारों के शिकार हैं। कैसे? देखा सुना बोलना शुरू कर दिया, ये विकार है। विचार है देखा सुना, किसी ने पूछा है क्या, नहीं चुप रहो ना भी, कितनी सिंपल बात है। लेकिन जो हमारी आदतें हो गई है पुरानी, आदतों को शास्त्र में कहते हैं स्वभाव। तो हम में दो बातें हैं, एक तो स्वभाव है, दूसरा स्वरूप है। स्वरूप वो है उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता, स्वभाव वो है हमने बनाया है तो हमको ही उसको मिटाना पड़ेगा। एक बूढ़ी बड़ी मिलिट्री ऑफिसर की पत्नी ने मुझे कहा, स्वामी जी आप मुझे बता दो कि सिगरेट मत पियो। तो मैं क्यों बताऊं,
बोले मैंने ट्राई किया छोड़ने का, नहीं छूटती, आप बताओ तो आपके शब्दों में शक्ति है छूट जाएगी। हमने कहा मैं अपनी शक्ति सिगरेट के पीछे नहीं लगाता। मम्मी जी ऐसा क्यों, आप क्यों नहीं कहते? हमने कहा मैं क्यों कहूँ, कोई जबरदस्ती है? नहीं नहीं स्वामी आशीर्वाद करो, मैं नहीं करूँगा। क्यों? हमने कहा जब तुमने सिगरेट पीना शुरू किया तुम आई थी मेरे पास, स्वामी जी दिस इज माई फर्स्ट सिगरेट, विल यू प्लीज इनॉग्रेट। नायम आत्मा बलहीन न लभ्यः, जो बलहीन है उनके लिए अध्यात्म नहीं है। डिस्कवर योर इनर स्ट्रेंथ, और ये तभी होगी जब अपना जो हैप्पी मंत्र माला है उसका ट्राई करो, देखो सुनो मत बोलो। धीरे धीरे ये स्वभाव हमने बनाया है तो इसको हमको ही हटाना पड़ेगा। स्वभाव से मुक्त होना यही स्वरूप को प्रकट होने की एक ही मार्ग है। तो, मिठास यह चीनी का स्वरूप है, फिर चाहे उसके लड्डू हो, चाहे सिरप हो, चाहे पाउडर हो, चाहे क्यूब हो, ये स्वभाव है। स्वभाव हमारा बनाया होता है, स्वरूप परमात्मा का है। जो अघौग गुष्ट कुधियाम, अघौग पापी है, पाप क्या है? पाप यह है द्वैत को सत्य मान करके जीना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और पाप का फल क्या है? दुख। और पुण्य का फल क्या है? सुख। और कुछ नहीं है, तीसरा कोई फल नहीं है, सुख दुख दो ही फल है तुम्हारा। गूढ़म गूढ़म अघौ दुष्ट कुधियाम स्पष्टम सुधि शालिनाम, लेकिन सुधि धी माने बुद्धि, सु माने योग्य, जिसकी बुद्धि सुंदर है। बुद्धि की सुंदरता क्या है? जो द्वैत के अनुभूतियों में रहते हुए भी द्वैत के द्वारा प्रभावित नहीं होता, मैं और मोर तोर तय माया इसके चक्कर में जो नहीं आता है वो समझदार है। फिर हम किसी के ये में दखल नहीं लेंगे, नहीं लेना चाहिए। तो गूढ़म गूढ़ मघौ कुकुश दुष्ट कुधिया स्पष्टम सुधी शालिनाम। तो सुधी क्या है? हमको इतना याद रखना है कि हम अपने इस जीवन में इतने शुद्ध पवित्र परफेक्ट रहे कि हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो, वो अंदर में परे तरस रहा है प्रकट होने के लिए। एक उदाहरण समझ लो, आप सभी लोग ट्रैवल तो करते ही होंगे और सूटकेस में सामान भरते ही होंगे। कोई भी सूटकेस ले लो आप, हमेशा छोटी ही होती है, उसमें कितना भी सामान भरते भरते छोटी हो गई, बड़ी लेते थे इसमें हम थोड़ी स्पेस नहीं डाल सकते। जैसे हमने फालतू की चीजें भर दी वैसे स्पेस नहीं डाल सकते। नहीं वो तो फिर क्या करें, जो अनावश्यक है जूते की चौथी पेयर निकाल डालो, नहीं वो मैचिंग के लिए है। देखो तो जहां हमने उस सूटकेस में से अनावश्यक वस्तुओं को निकाला वहां स्पेस तैयार हो गई ना। इसी प्रकार से हम परमात्मा स्वरूप है, इस परमात्मा स्वरूप में कचरा भर के रखा है, मैं रुमो रतो रतय माया, इसको हटा दो प्रभु प्रकट। कौन सा कचरा है? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, मेरा तेरा उसका। जिस अंतकरण में कामना का दुर्गंध नहीं होता वही अंतकरण में परमात्मा प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला,
भगवान प्राप्त नहीं होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। तो आपको कोई वस्तु चाहिए और नहीं मिल रही है तो बड़े दुखी है आप। जहां वस्तु मिल गई तो क्या हो गया, वस्तु से सुख आया क्या? नहीं, आपके अंतकरण में उस वस्तु की जो कामना थी वो कामना मिट गई। जहां कामना मिट जाती है वहां आनंद प्रकट हो जाता है। लेकिन हमारी बेवकूफी क्या है, मुझे वो वस्तु चाहिए थी वो मिल गई इसीलिए मैं खुश हूं, तो वो वस्तु जो है वो सुख का साधन है, यही गलती है। वस्तु सुख का साधन नहीं है, आप स्वयं आनंद स्वरूप हो। तो ये इच्छाओं ने, कामनाओं ने, राग द्वेष ने, मैं तू तू ने अपने स्वरूप को ढक दिया है। इसीलिए सुधी शालिनाम स्पष्टम, जिनकी बुद्धि ऐसी गंदगी में फंसी हुई नहीं है उनके लिए एकदम ये स्पष्ट हो जाता है। कहते हैं स्वांति सम्यक इहानुभूतिमपि। तो वैसे देखा जाए तो गुरु महाराज अपने आप में परिपूर्ण है, उनको ना किसी से कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है। फिर भी कहते हैं सत शिष्य अवबोधायतन, फिर भी जब वो देखते हैं कि ये एक लायक व्यक्ति है तो उसको यह ज्ञान देने के लिए प्रश्न पूछने वाले से शब्द का उपयोग करने से पहले ही पता चल जाता है कि ये कहां खड़ा है। नॉर्मली हमारे प्रश्न जो होते हैं वो दूसरे को लेकर के, स्वामी जी मेरी बहू ऐसी है, स्वामी जी मेरा लड़का मेरी बात नहीं मानता, स्वामी जी जैसे हमारे डॉक्टर निर्बल, हम उनके पास चले जाएं और वो कौन है डॉक्टर है तो हमने क्या कहना है, अपने रोग का बताना, मुझे ये रोग है ठीक करा लो। यदि मैं उनके पास जाकर के कहूँ डॉक्टर साहब आजकल भारतवर्ष में डिसेंट्री की क्या कंडीशन है तो क्या कहेंगे, तुमको क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं इसे टाइम पास कर रहा हूँ। देखो तो जब सामने का प्रश्न पूछने वाला अधिकारी होता है तो योग्य उत्तर मिलते हैं, सामने का प्रश्न पूछने वाला जैसे पुरुष अपने वृंदावन में हुआ था, हम बैठे थे चाय पी रहे थे, चाय पीते समय हमारी समाधि होती है लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगता। आकर के एक ने पूछा स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं, मैंने तबला बजा रहा, आप कभी सीधे नहीं बोलते, हमने कहा जैसे तुम हो वैसे मैं हूँ, नहीं मैं पूछना चाहती हूँ कुछ पूछा। तो मैंने फिर पूछा तुमने ये प्रश्न कितनों को पूछा है अम्मा, स्वामी जी आपको कैसे पता चला, मैंने ये प्रश्न कईयों को पूछा है, ये कोई स्टैम्प कलेक्शन है क्या? उसी प्रश्न की सभी महात्माओं से उत्तर इकट्ठा करना और थीसिस लिखना, आपको कैसे पता चला? मैं तुमको बताऊंगा तो मैं बाबा जी कहा, मैं नहीं बताऊंगा। देखो महाराज मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। एक लड़की आकी थी याद नहीं, और मेरी एक पुस्तक ले आई, बोले स्वामी जी इस पर मैसेज लिख दो मेरे लिए। हमने कहा इसमें अंदर क्या मसाज लिखा है, पढ़ो इसको, मेरे लिए लिख दो। मैं कितना तरबा लिख दिया, इफ यू कैन अंडरस्टैंड माय साइलेंस यू विल अंडरस्टैंड माय वर्ड्स। इसका अर्थ क्या है, मौन की भाषा में ही तत्व प्रकट होता है। और इसीलिए मौन की साधना कैसे करनी है, देखो सुनो, देखना रूप है सुनना नाम है,
दुनिया क्या है? नाम रूप दुनिया है। दुनिया में रहो लेकिन नो कमेंट्स। आप अपने पास वापस आ गए। किसी को देखा, अच्छा है बुरा है, आवश्यक है अनावश्यक है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, भटक रहे अपने आप से। हम मन में जो विकृतियां आती है, जो रिएक्शन आती है, उन रिएक्शन को कहते हैं विचार या विकार। और जो विकार है वो शब्दों में प्रकट होते हैं। तो मन हो गया चैतन्य। मन चैतन्य से जब नीचे गिर जाता है, उसी मन में अब विचार आने लग जाते हैं, विकार आने लग जाते हैं। और वही विकार प्रकट होते हैं शब्दों के माध्यम से। ये योगियों को बताओ, सभी योगी कहते हैं चित्तवृत्ति निरोधः योगः, किसी का नहीं हुआ है, खमो खम परेशान करते। फिर क्या करें, इसको समझो। मन कारण है, शब्द कार्य है। चित्तवृत्ति के निरोध में मत पड़ो। फिर ये सिंपल, देखो सुनो मत बोलो। जब आप बोलेंगे नहीं तो मन में विचार नहीं आएगा। ऐसा जो साधक है तो सशिष्याय बोधाय, तो जो संत लोग, साधु संत अपने हृदय में परमात्मा के साथ एक होकर के रहते हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा, फिर भी उनके पास यदि कोई सत्शिष्य पहुंच जाए, सत्शिष्य माने क्या, जो सत्य की खोज में है वो सत्शिष्य है, वो दुनिया की खोज में नहीं है। स्वामी जी आपका क्या ओपिनियन है ये पॉलिटिक्स के बारे में? तो सत्यम सत्यम संस्कृतवान समस्त जगताम नैजम निजालोकनाथ। और ये इस प्रकार से क्यों करते हैं? क्योंकि उनके दृष्टि में यह संपूर्ण संसार केवल परमात्मा ही है। तो तीन बातें हो गई, जो इस जगत में रह करके सत्य के प्रति समर्पित है, ऐसे साधक ऐसे सद्गुरु के पास पहुंचते हैं कि जिनको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। फिर वो क्या कर रहे हैं? टाइम पास करने के लिए जो योग्य साधक है उनका मार्गदर्शन करते हैं, यदि वो लायक हो तो। इस प्रकार से पहला श्लोक पूरा। द्वैतं मय्यखिलं समुत्थितमिदं मिथ्या मनकल्पितं तोयं तोय विवर्जिते मरुतले भ्रान्तेव सिद्धं नहि। यद्देवं खलु दृश्यमेतदखिलं नाहं न वा तन्मम प्रौढानन्दचिदेकसन्मयवपुः शुद्धोऽस्म्यखण्डोऽस्म्यहम्। एते हे द्वैतं मयि अखिलं समुत्थितमिदं मिथ्या मनकल्पित। जहां जहां द्वैत की अनुभूति है वो कल्पित है। कल्पना करिए, कल्पना किसे करिए है? मन से। ये सब की सब बातें हम लोग सीख सकते हैं अपने ही अनुभूति से, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने अनुभव का विश्लेषण करो। तो हमारे अनुभव क्या है? जागृत का है, स्वप्न का है, सुषुप्ति का है, समाधि का है। अब जागृत में द्वैत है, मैं तू तू। स्वप्न में द्वैत है, मैं तू तू। सुषुप्ति में द्वैत नहीं है, फिर भी हम रहते हैं ना। हमको कभी भी अपने अभाव का अनुभव नहीं होता। सुषुप्ति में हम कहाँ है, हम कब है,
और हम कौन हैं, इन तीनों का एक ही उत्तर है, कुछ नहीं। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, बीजस्यांतरिवां कुरो जगदिदं प्रांग्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम्। मायावीव विजृंभयत्यपि महा योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। जैसे एक बीज के अंदर सब कुछ पूरा का पूरा वृक्ष निहित है, और वो वृक्ष प्रकट हो गया माने क्या, वहाँ देश काल वस्तु की कल्पना का उदय हो गया। इसी प्रकार से सुषुप्ति में हम कहीं भी नहीं है, देश गायब, कभी भी नहीं है काल गायब, और कुछ भी नहीं है, कुछ व्यक्ति भी नहीं है, किन हम है। तो ये दुनिया कहाँ से निर्माण होती है, जहाँ ध्यान से सुनना, जहाँ चेतना नीचे गिर जाती है। चेतना का नीचे गिर जाना माने देह के आकार के साथ मिल जाना। आकाश निराकार है, चेतना निराकार है, तो जैसे आकाश इस कमरे के अंदर में आ गया तो यहां से संसार शुरू, ये मेरा मकान वो तुम्हारा मकान, हम कमरे के अंदर है कार बाहर है, ये सबका सब इन उपाधि को धारण करने से। इसी प्रकार से जब चेतना देह के माध्यम से प्रकट होने लग जाती है, कैसी, देहात्म भाव से, जहाँ देहात्म भाव हुआ तो सुषुप्ति से उठने के बाद पहला अनुभव क्या होता है, मैं कहाँ हूँ। दूसरा अनुभव क्या होता है, अब कितने बजे। तीसरा अनुभव क्या आता है, मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ, संसार स्वरूप। अब ये चिंतन करो, सुषुप्ति में हम कहाँ होते हैं, कौन होते हैं और कब होते हैं। तो ये दुनिया कहाँ से आ गई, केवल देहात्म भाव को सत्य माना, दुनिया प्रकट। एक बार किसी के यहाँ थे हम, बुलाया था हमको खाना खाने के लिए, खाना वाना खा लिया, हम जा रहे थे, बोले स्वामी जी हमारी दादी माँ बीमार है, उसको आशीर्वाद करो, फ्री में कुछ नहीं मिलता है दुनिया में, हमसे काम करवा देते। तो हम गए और वो कोमा में पड़ी हुई थी, और वहाँ एक नर्स थी, तो मैंने नर्स से बात करना शुरू कर दिया, कैसी हुआ माँ, ठीक होना, तुमको ये लोग ठीक से पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, तो जब तक के दूसरा पेशेंट नहीं मिलता तब तक के मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ इसको मेंटेन रखना। ऐसे में उससे बात कर ही रहा था, उतने में वो ओनर लोग आ गए, तुरंत नाटक बदल गया। तो मैंने उस टोमेटोज के जैसा टोमेटोज लेडी का हाथ अपने हाथ में लिया, अपना हाथ उसके हाथ पर लगा, फिर अपने हाथ को किस किया, या तो कौन करेगा, मर गया। और फिर नाटक शुरू, अब क्या समझ में आए, हु कैन चैलेंज व्हाट आई एम डूइंग। डॉक्टर लोग ऐसे ही करते हैं, तो होने के बाद चले गए। फिर तीसरे दिन वो सज्जन आए सत्संग में, स्वामी जी मुझे पहचाना, हमने कहा यार मैं भगवान को भूल चुका हूँ, आदमी को कहाँ याद रखूँगा, मुझे कोई याद नहीं। बोले उस दिन आप हमारे घर में आए थे 3 दिन पहले खाने के लिए, अरे वो निकल गया, 3 दिन रखता है क्या कोई अंदर। नहीं नहीं ऐसे नहीं, बोले हमारी दादी माँ बीमार थी, आपने उसको आशीर्वाद किया था इसलिए हम आए। अब मेरा दिल धड़कने लग गया, अब क्या हुआ, वो जिंदा हो गई तो ये मुझे मारने के लिए आया है, और यदि वो मर गई है तो मेरे आशीर्वाद से लोग मरते हैं। फिर कहने लगे हम उसके दुख नहीं देख सकते थे, आपकी प्रार्थना से भगवान ने उनके दुख को मिटा दिया। हमने कहा देखो
सबसे ज्यादा मनुष्य स्वयं को बेवकूफ बनाता है, दूसरे को नहीं बनाता। तो कैसे, जो कोमा में होता है वो दुखी नहीं होता, जिसको बिल पे करना है वो दुखी होता है, तो मरता भी नहीं यार। देखो संतो, इसीलिए ये जो दुनिया है कब निर्माण होती है, देहात्म भाव के बाद। द्वैतम मई अखिलम समुत्थितम इदम मिथ्या मन कल्पितम, ये पूरी की पूरी जो दुनिया है ना हमारी निर्माण की हुई। एक और चिंतन कर लो, एक स्त्री भगवान की निर्मित है, भगवान ने एक लड़की को जन्म दिया, कोई समस्या नहीं। समस्या किसको है, जब उस लड़की को कोई अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करता है समस्या शुरू, कोई उसी लड़की को पत्नी के रूप में स्वीकार करता है समस्या शुरू, कोई उसी स्त्री को मां के रूप में स्वीकार करता है समस्या शुरू। तो समस्या किसमें है, कन्या में है, पत्नी में है और मां में है, स्त्री में कोई समस्या नहीं। क्या करोगी साधना, कर्नाटक बड़ों के सामने है, आदर से रहो, उनकी सुनो, करो अपने मन की। देखो अपनी उम्र के है तो लाइटली रहो, ज्यादा सीरियसली मत लेना, छोटे है तो उनको माफ कर देना, ठीक है यार, नेवर माइंड। ओके, इन शॉर्ट, किसी भी औपाधिक अनेकता के कारण अपने मन को खराब मत करना। देखो तो ये कब होगा, जब ये समझ में आएगा, द्वैतम मई अखिलम समुत्थितम इदम मिथ्या मन कल्पितम। एक ने शादी करी फिर बाद डाइवोर्स किया, दूसरी शादी करी फिर डाइवोर्स किया, तीसरी शादी की फिर डाइवोर्स किया, और फिर मुझे पूछा, स्वामी जी मुझे आपसे पूछना है, क्या आप मेरे जीवन में 25 साल पहले आते तो ठीक रहता। हमने कहा फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं करता। नहीं वो नहीं, अब मुझे समझ में आया मेरी गलती कहाँ गई, इसीलिए मैंने 3 बार डाइवोर्स किया। हमने कहा ठीक है, आप मेरे प्रश्न के उत्तर दो, तुमने पहले बार शादी करी तो वाइफ W1 पति H1, सो W1 H1 फर्स्ट कपल, फिर तोड़ दिया, फिर दूसरी बार शादी करी W2 H2, फिर तीसरे बार W3 H3। अब प्रश्न ये है, W1 = W2 = W3 = what, कहाँ गए वो? डाइवोर्स के बाद लड़की विधवा होती है क्या? क्यों नहीं विधवा होती, क्योंकि मरा कौन, कौन मरा? कितनी सिंपल बात है, लेकिन कौन दुखी हो रहा है, ये जो नहीं है वो दुखी हो रहे हैं। अध्यात्म ये है, इसीलिए तोयम तोय विवर्जिते मरुतले भ्रांते व सिद्धम नहीं। इसी प्रकार से रेगिस्तान में जो मृग तृष्णा दिखती है, मृग जल दिखता है, तो दिखता है लेकिन होता है क्या, वो कैसे दिखता है, परिस्थिति विशेष में। परिस्थिति विशेष क्या है, जब सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर होकर के पृथ्वी पर आती है, पृथ्वी गर्म होने के कारण वो जो किरणें हैं वो रिफ्रैक्शन होती है, और इसीलिए पानी के रूप में दिखती है लेकिन होता नहीं। कोई यदि कहे कि मैं रात को आ रहा था, 6:30 बज गए थे, अंधकार हो ही रहा था, मुझे बीच में बहुत बड़ा ये मिराज वाटर देखा, हर किसको बेवकूफ बना रहे हो, मिराज वाटर्स ए पर्टिकुलर सिचुएशन में ही दिखता है। इसी प्रकार से ये दुनिया कब होती है, जब देहात्म भाव है। तो साधना क्या है, सुनो संतो, असली आध्यात्मिक साधना केवल 2 बातें हैं। हम घंटी बजाने की बात नहीं कर रहे, आप 2 बातें, पहली बात देहात्म भाव की निवृत्ति, दूसरी बात जीवात्म भाव की निवृत्ति।
देखो मैं देह हूं पुरुष, मैं पति हूं जीव, और मैं परमात्मा हूं, पत्नी के कारण भी मैं सुखी हूं, ये परमात्मा। देखो संतो, तोयम तोयो विवर्जिते मरुतले भ्रांति वसिद्धम नहीं। तो जैसे मृग जल दिखता है भ्रांति के कारण, सिद्ध नहीं हो सकता। यद्देवं खलु दृश्यमेतद् अखिलं नाहं न वा तन्मम। इसी प्रकार से जो दुनिया है, ना तो ये मेरी है ना तो मैं उसका हूं। एतद् अखिलं दृश्यं न अहम्। देखो ये डिब्बी मेरी है। अब किसी भी ज्ञान को विश्लेषण करके देखो, ये माइक है, ये ज्ञान कैसे होता है? पहली स्टेप, ये माइक है। दूसरी स्टेप, इसको मैं जानता हूँ। तीसरी स्टेप, मैं माइक नहीं हूँ। समझो ऐसा ना हो तो कितना मजा आएगा। ये क्या है? गधा है। इसको मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ? मैं गधा हूँ। क्या हम देह को ऐसा नहीं जानते? ये देह है, मेरा देह है, फिर मैं कैसे बन गया देह? इसीलिए संतो शास्त्र बताते हैं, हम दुनिया के साथ एक धागे से बांधे हुए हैं, केवल ममता का धागा। और देह के साथ दो धागे से बांधे हुए हैं, ममता और अहंता। देह मेरा है और मैं देह हूं। तो यदि हमको तोड़ना होगा बंधन, तो पहले हल्का बंधन तोड़ते हैं ना, ये ममता का बंधन। ममता का बंधन तोड़ना माने दुराग्रह का त्याग करना। जहां भी ये झगड़े होते हैं ना पति पत्नी में, इसका एक ही कारण है, दोनों में दुराग्रह होता है। इसमें भी उनका दोष नहीं है, मैन्युफैक्चरर डिफेक्ट है। कैसे? जब ये लड़के लड़की 40 की उम्र क्रॉस कर जाते हैं, 40, 45, 42, उस समय उनके पूरे हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं सकते। फिर तू तू मैं तू तू, कबड्डी 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 शुरू हो जाता है। यदि उस समय दो में से एक समझदार हो, समझदार नहीं हो तो किसी की बात मानो ना, किसी की मानिए मानेंगे, फिर झगड़े शुरू। और झगड़े का ठीक है, विल सेपरेट, विल नॉट लिव टुगेदर। देखो पूरा जीवन इसी में बर्बाद हो जाता है। इसीलिए ये स्पष्ट समझ लो, यद्देवं खलु दृश्यमेतद् तद अखिलं नाहम्। तो जैसे वस्तुओं को मेरी कहते हैं, वैसे देह को भी हम मेरा कहते हैं। या तो जगत को मेरा कहो तो वैसे देह को भी मेरा कहो, लेकिन जगत को मेरा नहीं कहते, उसमें सिलेक्शन है। धीरे धीरे ये बात समझ में आती है तो इसके दो प्रभाव हो गए। एक प्रभाव है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और दूसरा प्रभाव है सर्वम कल्विदम ब्रह्म। जगत को हम मिथ्या के रूप में स्वीकार करेंगे तो जगत के प्रति आकर्षण नहीं होगा। जिसको मिथ्या के रूप में स्वीकार करते हैं, उसका नाश करने का प्रयत्न नहीं करते, उसको सुधारने का प्रयत्न नहीं करते, उसको पकड़ने का प्रयत्न नहीं करते, उसे दूर भागने का प्रयत्न नहीं करते, जिसको हमने मिथ्या के रूप में स्वीकार किया है। जैसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब को सुधारने का प्रयत्न नहीं करते, उसको बदलने का प्रयत्न नहीं करते, उसको पकड़ने का प्रयत्न नहीं करते, उसको नष्ट करने का प्रयत्न नहीं करते। क्यों? कि जाना है ये प्रतीति है, प्रतिबिंब है, वास्तविकता नहीं है। अब यही अपने में उतारो, आदमी दर्पण पत्नी, उसमें प्रतिबिंब पति, दर्पण का प्रतिबिंब नहीं होता, दर्पण में प्रतिबिंब होता है। और दर्पण का प्रतिबिंब क्या हो गया? पति। और ये पति तपावन सीताराम
उस दर्पण को समझते नहीं। कहाँ की बात है, साउथ में किसी मारवाड़ी की बात है। वो जो सज्जन हम जा रहे थे उनके साथ कार में, पीछे उनकी पत्नी बैठी थी, वयस्क दोनों, और मारवाड़ी होने के कारण डुक 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 चल रही थी। तो कहीं रोक दी कार, बहुत गर्मी थी, तो उन्होंने कहा कि जा करके स्वामी जी के लिए एक पानी की बोतल ले आना उस दुकान से। तो बेचारी उतरी गई और एक बोतल मेरे लिए ले आई। इसने डांटा, अरे बेवकूफ, ठंडा ले आना, इतना गर्मी है, समझ में नहीं आता तुमको। बेचारी फिर चली गई, ले आई, मुझे दिया। हमने कहा अम्मा क्यों परेशान होते, बैठो। स्वामी जी आपने देखा ना, ये हमेशा मुझे बेवकूफ़ ये सबके सामने करते, अभी आपके सामने भी मुझे बेवकूफ़ कहा। हमने कहा मम्मा मैं इनसे सहमत हूँ, आप भी मुझे बेवकूफ़ कहते। हाँ कैसे, यदि तुम समझदार होती तो इससे शादी कर दी। हाँ फिर ठीक है। देखो महाराज, पति ने कुछ कहा सत्य मान लिया, पत्नी ने कुछ कहा सत्य मान लिया। अरे कर्नाटक, हमारा ये जो महामंत्र है ना, नाटक का ट्राई करो। बड़ों के सामने आर्ग्यूमेंट कभी नहीं करना, छोटों के सामने डिस्कशन कभी मत करना। पत्नी, और वो सबसे सिंपल है, जब पत्नी बोलती है तो पति चुप रहना चाहिए, और पत्नी जब चुप है तब पति ने बोलना नहीं चाहिए, घर में शांति होगी। केवल ओम शांति जब करने से कुछ नहीं होता, और डिस्टर्बेंस होते, घर का नाम लिख देते, शांति कुंज, पत्नी का नाम लिख देते शांति, कुछ नहीं होगा उससे। समझदारी आवश्यक है। यद्येवं खलु दृश्यमेत अखिलं नाहं, ये दुनिया को हमने मेरा मेरा करके पकड़ रखा है, इससे दूर हटो। तो इसके दो प्रकार हैं, एक तो जगत को मिथ्या मान लिया तो इसके प्रति आकर्षण समाप्त हो जाएगा, यू विल एंजॉय बट यू विल नॉट सफर। देखो दूसरी बात, यदि जगत को हमने सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ परमात्मा ही है, उसमें हम भी आ गए ना, तो हमको अपने से कभी द्वेष हो सकता है, हम कभी अपने से आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, हम अपने से केवल प्रेम करते हैं। कैसी भी दृष्टि रखो, लेकिन ये द्वैत को सत्य मान करके उसमें झगड़ा, तू तू मैं तू तू, इससे हमको कोई नहीं बचा सकता। यद्येवं खलु दृश्यमेतद् अखिलं नाहं न वा तन्मम, उसी प्रकार से दुनिया में कुछ भी अपना नहीं है। उपनिषद में आता है तत्र तत्र माने सुषुप्ति अवस्था में, तत्र माता अमाता भवति, पिता अपिता भवति। सुषुप्ति में हम कौन होते हैं, माँ बाप भाई में कुछ नहीं होती, जरूर है। जो पति अपने पत्नी के आंखों में आंख डाल के देखने की हिम्मत नहीं कर सकता, सुषुप्ति अवस्था में इतने जोर से कर्राटे मारने की हिम्मत कहां से आती, क्योंकि मैं पति नहीं हूं। सेलिब्रेट, हैप्पीनेस इज सेलिब्रेटेड बाय नॉइज। देखो नींद में सभी खुश होते, इसीलिए कर्राटे, अभी मार के दिखाओ कर्राटे, नहीं अभी ज्ञान में पड़े हुए, ज्ञान ब्रह्म कहां कहां चला। रिलैक्स मैन रिलैक्स। यद्येवं खलु दृश्यमेतद् अखिलं नाहं न वा तन्मम, प्रौढ़ानंद चिदेक सन्मय वपुः, शुद्धोस्मे खंडोस्मे हम। फिर प्रौढ़ानंद, अल्टीमेट आनंद क्या है, ब्लिस, हमको ब्लिस्टर मालूम है, ब्लिस मालूम है, प्रौढ़ानंद सबसे अल्टीमेट ब्लिस क्या है, परमानंद कहते हैं। प्रौढ़ानंद चिद एक सन्मय वपु, केवल सत्ता मात्र, बी वेरी अटेंटिव, निर्विशेष सत्ता अपना स्वरूप है। तो विशेषता को हटा डालो, कितना विशेषता का बोझा है हमारे सर पर, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं जवान, मैं बूढ़ा,
मैं भारतीय मैं नहीं भारतीय, इतने सारे बोझे हैं। एक और बोझा, मैं स्पिरिचुअल भी हूं आजकल, हटाओ सबको। कैसे हटावे? कर्नाटक देखो, नाटक करना माने क्या? नाटक करना माने पहले जमाने में लड़कियां स्टेज पर नहीं आती थी, आजकल लड़के नहीं आते, जमाना बदल गया। तो जो पुरुष होते थे वही स्त्री का रोल करते थे, वैसे ही कपड़े पहनेंगे, मेकअप करेंगे और स्टेज पर काम करेंगे, मानो वो कोई स्त्री है। उस समय भी वह एक्टर ये भूलता नहीं था कि वो पुरुष है। उसी प्रकार से हमको नाटक करना है दुनिया। कैसे? अब क्या कर रहे हो? मानो सुन रहे हैं बदलने के लिए। देखो संतो, कर्नाटक तो प्रौढ़ानंद चिदेक सन्मय बहु, जितनी विशेषता है विशेषताओं को हटा दो, जो निर्विशेष सत्ता है वो हमारा स्वरूप है। एक विशेषता आ गई, देहात्म भाव हो गया, जागृत पुरुष बन गए। उसके बाद बड़ों के साथ संबंध किया, छोटे बन गए, और पति पत्नी के साथ संबंध कर दिया, पत्नी पति बन गए। बच्चों के साथ संबंध किया, माँ बाप बन गए। ऑफिस के साथ संबंध है, ऑफिसर बन गए। गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइवर बन गए। कितने बनावटी है हम, माने औपाधिक अनेकता उपयोगी होती है लेकिन वास्तविक नहीं होती। जैसे पृथ्वी पर ये लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड है, असल में है क्या? वहां केवल काल्पनिक है, काल्पनिक है, उपयोगी है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो सत्य है। देखो पति पत्नी काल्पनिक है, उपयोगी है, सत्य नहीं है। झगड़ा कौन करता है? पति पत्नी, जो सत्य नहीं है। जो नहीं है उनके झगड़ा कैसे मिटाओगे आप? वो संतो, केवल समझदारी की कमी। प्रौढ़ानंद सिदेक सन्मय वपु शुद्धोस्मि अखंडोस्मि अहम्, यह जो शुद्ध तत्व है यही अपना स्वरूप है। ये गुरु महाराज ने एक योग्य शिष्य को बताया, ऐसा चिंतन करते रहो। इस समय आप अपने मन की स्थिति को देखो। इस समय आपको ये विचार नहीं आ रहा है कि मैं दिल्ली में हूँ कि बम्बई में हूँ, मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, मैं जवान हूँ या बूढ़ा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ या अनपढ़ हूँ, मैं डॉक्टर हूँ या पेशेंट हूँ, कुछ भी नहीं ना। कुछ नहीं मिला आपको। जो सबके अभाव में होता है वो परमात्मा, और इसीलिए जिसका कभी अभाव होता नहीं वो परमात्मा है, और वो अपना स्वरूप है। हमको कभी अपने बारे में प्रश्न आता है क्या, मैं हूं या मैं नहीं हूं? तो जिसके बारे में आपके मन में प्रश्न नहीं आता वो सत्य है, और जिसके बारे में आपके मन में प्रश्न आता है वो बकवास है। इसीलिए हम प्रश्नोत्तरी को एंटरटेन नहीं करते। क्या प्रश्न पूछना है? पकड़ के रखो अपने आप को। ये खंबे का वजन कितना होगा मालूम है? नहीं, कुछ फर्क पड़ा? ये फैन कितने स्पीड से घूम रहा है, एक मिनट में कितने चक्कर काटता है मालूम है? नहीं, कुछ फर्क पड़ा? फर्क पड़ता है हम अपने को जानते हैं या नहीं। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः, सभी शास्त्रों का तात्पर्य
अपने आप को पहचानने में, बाकी दुनिया गई भाड़ में। तो प्रौढ़ानंद चिदेक सन्मय वपू, जो साधु संत है इस ज्ञान में प्रौढ़ है, उनका अनुभव क्या है? चिद एक असन्मय वपो, ये शुद्ध चिन्मय सत्ता मात्र है और शुद्धोस्मि, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। तो मिलावट किसको कहते हैं? जैसे हमारी दाढ़ी, इस दाढ़ी में खाना खाते समय चावल गिर गया, लटक रहा, तुम क्या कहेंगे? कुछ कचरा है। तो कचरा निकाल के दिखाओ, अरे ये तो चावल है, तो क्या मैं कचरा खा रहा हूँ? नहीं नहीं स्वामी जी, ऐसे ठीक है, फेंक दिया, फिर चावल खा रहे, उसमें एक दाढ़ी का बाल निकला, स्वामी जी उसमें कचरा है। अरे यार क्या मेरे चेहरे पे कचरा लटका है? समझ में नहीं आता आप क्या कहते हैं। दाढ़ी में, दाढ़ी के सिवा अन्य कुछ भी हो तो कचरा है, खाने में, खाने के सिवा अन्य कुछ भी हो तो कचरा है, परमात्मा में, परमात्मा के सिवा अन्य कोई वो तो कचरा है। जिसके बारे में विचार आते हैं वो संसार है, जिसके बारे में विचार नहीं आते वो परमात्मा है। जिसको देखा जाता है आंखों से वो दृश्य है, आंखों से किसको नहीं देख सकते? स्वयं को। बहुत सिंपल है संतो, पुरानी जो आदतें हैं ना, हर चीज को रिएक्ट करने की, देखो सुनो बोलो बोलो बोलते बोलते रहो बोलते रहो, अंत नहीं उसका कोई। प्रौढ़ानंद चिदेक सन्मय वपु, शुद्धोस्मि अखंडोस्मि, हम में कोई खंड नहीं है। बचपन आया चला गया, बचपन खंडित हुआ, जवानी आई चली गई, जवानी खंडित हुई, मध्यम वय आया वो चला गया, खंडित हुआ। स्वामी जी यहाँ रुक जाओ, रुकेंगे नहीं, बुढ़ापा आया वो भी खंडित होगा, आप मरोगे नहीं, मरने भी नहीं देते। देखो संतो, इससे बढ़ करके और कोई साधना नहीं हो सकती। बाकी सब ठीक है अपने जगह में, कुरुते गंगा सागर गमन मृत परिपालन मतवाद करो, सब कोई मतलब नहीं, पकड़ के रखो इसको। प्रौढ़ानंद चिदेक सन्मय वपु, शुद्धोस्मि अखंडोस्मि, हम देहो नाहम अचेतनोयम अनिशम कुड्यादि वन्निश्चितो नाहम प्राणमयोपि धृति धृति धृतो वायुर्यथा निश्चितः सोहम नापि मनोमय कपिचल कार्पण्य दुष्टो नवा बुद्धि बुद्ध कृतवृत्ति कुहना नान्यानवंदम तमः। ना हम देहा, अब हमको साधना बताते हैं। टाइम हो गया क्या? हो गया टाइम? ओके, कितना हुआ टाइम? एक घंटा हो गया कि नहीं? एक घंटा हो, ठीक है, इनडाइजेशन हो जाएगा, बाकी का कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।